अब ये तो अनबॉक्सिंग करने के बाद ही पता चलेगा किसके अंदर क्या है। और आप लग रहे हैं यूट्यूबर का जैसा। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब मस्त होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरा दूसरे वाला ब्लॉग, जिसमें हम बताए थे कि मुझे ब्लॉग शूट करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो गाइस, काफ़ी टाइम तक फ़ोन को हाथ से पकड़ के ही रखना पड़ता है, तब जाके ब्लॉग शूट होता था। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था गोरिल्ला ट्राइपॉड, और काफ़ी दिन हो गया था यार ऑर्डर करते हुए, तब जाके आया है, देख सकते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आप लोग को अभी अनबॉक्सिंग मिलेगा इसका देखने के लिए। और यार, पता नहीं इसके अंदर क्या है, खाली डब्बा है या फिर इसके अंदर गोरिल्ला ट्राइपॉड है। अब ये तो अनबॉक्सिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और ये ब्लॉग मैं डायरेक्ट रास्ते से ही शूट कर रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं घर और इसे अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। तो फाइनली भी आ चुके घर और अनबॉक्सिंग का भी तैयारी कर लेते हम पहले से ही, दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग का तैयारी। तो चलिए यहीं पे बैठते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। तो ये रहा हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड का डब्बा, देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, अब अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। और बाकी फ्लिपकार्ट का पैकिंग का बात करें तो पैकिंग इसका जबरदस्त है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी तो आप लोग जानते हैं ये फ्लिपकार्ट का पैकिंग कैसा रहता है। तो ये रहा हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड, देख सकते हैं। और देख सकते हैं ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और इसका होल्डर इसके अंदर है। तो देख सकते हैं ये रहा इसका होल्डर। और गाइस, मैंने ट्राइपॉड के साथ माइक भी मंगाया था, देख सकते हैं। चलिए अभी खोल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये रहा माइक, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। और माइक के साथ देख सकते हैं क्लिप भी मिला हुआ है चिपकाने के लिए, लेना नहीं पड़ेगा अलग से, क्योंकि ट्राइपॉड के साथ मुझे मिल चुका है माइक, तो मुझे माइक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है अलग से। और गाइस, मेरे घर से जस्ट बगल में रोड है, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो आप लोग गाइस एडजस्ट कर लेना। तो चलिए अभी इसे गोरिल्ला ट्राइपॉड को सेट करते हैं होल्डर में। ये इसका होल्डर। और ये स्लाइडर भी होता है, देख सकते हैं, इसी में हमारा फोन एडजस्ट होता है, देख सकते हैं। ये इसका होल्डर और ये रहा गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो अब इसे सेट करते हैं, और ये काफ़ी इजी है सेट करने के लिए, इसमें अलग से कोई नट नहीं दिया गया है। तो देख सकते हैं हमारा होल्डर अच्छे से फिट हो चुका है, और अब मुझे दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड आ चुका है। और गाइस, आप लोग अभी बताते हैं कि इसका प्राइस कितना पड़ा। ये गोरिल्ला ट्राइपॉड और ये माइक, दोनों का प्राइस पड़ गया मुझे 350 रुपीज़। अगर आप लोग को किसी को लेना होगा तो मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ से ले लीजिएगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये गोरिल्ला ट्राइपॉड और ये माइक कैसा लगा। तो चलिए अभी फ़ोन को सेट करते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड में, और माइक को फ़ोन में लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर आप लोग को मिलते हैं। तो अभी सेट हो चुका हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड और माइक फ़ोन में अच्छे तरीक़ा से, और अब लग रहे हैं यूट्यूबर का जैसा। और अब मेरा आवाज़ भी आप लोग को सही से आ रहा होगा, और अब मुझे उतना चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइक है मेरे पास। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को ये अनबॉक्सिंग का पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपना प्यारा सा उंगली से, और अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिएगा हमारा न्यू ब्लॉग इसी तरह का पाने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।